श्रेया सांखला ने किया कक्षा 12वीं में टॉप, दो विषयों में प्राप्त किए 100 में से 100 अंक। श्रेया सांखला पुत्री स्वर्गीय धर्म पल जी श्रीमती आशा सांखला पुत्री दीपेश सोनिया सांखला ने हाल ही में घोषित हुए सीबीएसई कक्षा 12वीं के परिणाम में 97.8% अंक हासिल कर शिवपुरी जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। श्रेया कॉमर्स संख्याएं में अकाउंटेंसी एवं बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 अंक पाने वाली अकेली छात्रा है। अपने परिवार और टीचर्स के मार्गदर्शन से उन्होंने 500 में से 489 अंक हासिल किए हैं। श्रेया सांखला ने अपने स्कूल व पूरे शिवपुरी में टॉप कर अपने परिवार का नाम ऊंचा किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट समाचार में। इस समय हम मौजूद हैं शिवपुरी में, और शिवपुरी में श्रेया सांखला जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से जिले में प्रथम स्थान पाया है, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेया। थैंक यू। आपने पहला स्थान पाया जिले में, तो क्या क्या आपकी परसेंटेज रही और कौन कौन से सब्जेक्ट में आपने कितने नंबर पाए? मेरी परसेंट 97.8 रही है, और अकाउंट्स में और बिजनेस स्टडीज़ में मेरे 100 आए हैं, आईपी में 99, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में मेरे 95 आए हैं। तो जिले में कौन सा स्थान पाया आपने? जिले में पहला स्थान है। कोरोना काल में आपने पढ़ाई की थी सीबीएसई बोर्ड से, तो कैसे कैसे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? ऑनलाइन क्लासेस डिफ़िकल्ट रही थी, ऑनलाइन क्लासेस में ध्यान लगाना मींस कंसंट्रेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट रहा था, बट टीचर्स बहुत सपोर्टिव मिले थे, वो ध्यान देते थे और पल पल मतलब बार बार हमें रिविजन्स के लिए प्रैक्टिकल करने को हमें लिखने को दे देते थे, तो उससे हमारा ध्यान रहता था। तो हाँ, मेरे टीचर्स की वजह से मेरे को ऑनलाइन क्लासेस लेने में बहुत आसानी हुई। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कितने घंटे की क्लासेस होती थी, और प्राइवेट में भी आपने कुछ कोचिंग संस्थानों का भी जाया था? स्कूल में तीन से चार घंटे की क्लासेस रहती थी, मतलब पीरियड्स का समय था वो मतलब ऑफलाइन से बहुत कम हो गया था, और प्राइवेट में तीन कोचिंग जाती थी तो तीनों के लिए एक एक घंटा होता था। लगातार पढ़ाई के दौरान कहीं ना कहीं कोई समस्या आती थी? जब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो आप, तो कुछ ना कुछ रहता है कि जब सामने टीचर्स होते हैं उनसे अपन सवाल जवाब कर सकते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई में क्या क्या कैसे किया? ऑनलाइन पढ़ाई में एक तो सबसे पहले एक एनजाइटी रहती थी कि बोले ना बोले, पूछे ना बोले पूछें या कैसे करें, और 11 था, पहला था, मैंने दोनों साल ही ऑनलाइन में गुजारे हैं, तो नया सब्जेक्ट था तो डिफ़िकल्टीज आई थी, बट धीरे धीरे टीचर्स का हुआ, टीचर्स से थोड़ा अच्छा हुआ तो फिर बोलने में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन हाँ लगातार करने से आंखें और सर बहुत दुखने लग जाता था, और वैसे जैसे कंसंट्रेशन भी नहीं हो पाता था घर में, क्योंकि कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं रहती थी, जो अगर टीचर आपके सामने है तो आप कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, बट टीचर सामने नहीं रहता था, घर में रहते थे अकेले कमरे में, तो और मतलब घर में भी कोई ना कोई आके डिस्टर्ब हो जाता था, तो हाँ डिस्टर्बेंस बहुत होता था और कंसंट्रेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। जैसे कोरोना काल में आपने पढ़ाई की, लगातार आपने पढ़ाई के दौरान कहीं ना कहीं आपने ये सोचा होगा कि ऑफलाइन पढ़ाई होती है, तो आपने ऑनलाइन पढ़ाई करके जिले में टॉप किया है, तो ऐसा सोचा था या फिर कैसे मतलब? ऐसा सोचा तो नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन में दिक्कतें आई थी और 11th में मेरा परफॉर्मेंस बहुत डाउन भी रहा था, क्योंकि मुझसे पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी, पर 12th के स्टार्टिंग में और बीच बीच में थोड़ा ऑफलाइन हुआ, और फिर टीचर्स से भी जान पहचान हुई, टीचर्स ने भी मेहनत करी, फिर मैंने भी थोड़ा मुझे था कि मुझे 12th में अच्छे से करना है, तो मेहनत करके फिर एंड की जो 12th का एंड आया था, टर्म 1 तक हमने ऑनलाइन करी थी, फिर टर्म 2 से ऑफलाइन हो गया था, तो टर्म 2 में इतनी दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि वो ऑफलाइन हो गया था। अच्छा, 10th में क्या स्थिति थी स्टडी को लेकर? 10th तो मैंने ऑफलाइन ही पढ़ी थी, तो 10th हाँ ऑफलाइन पढ़ना था, स्कूल रेगुलर जाते थे, स्कूल में भी एक पढ़ाई का माहौल रहता था, स्ट्रिक्टनेस रहती थी, तो 10th में पढ़ाई आसान रहती थी। तो 10th में आपने ऑफलाइन स्कूल जाकर पढ़ाई की, ऑफलाइन पढ़ाई की, 12th में आपने ऑनलाइन पढ़ाई की, तो ऐसा सोचा था कि मतलब ऑफलाइन पढ़ाई कर की अपेक्षा आप ऑनलाइन पढ़ाई करने से ज़्यादा प्रथम स्थान आपने पाया है उसमें? इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑनलाइन ऑफलाइन का था, क्योंकि 10th में मेरे को मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, 10th में मैं बस बुक्स पढ़ के मैं अपना यहाँ चली गई थी, बट यहाँ पर मुझे गाइडेंस टीचर से इतनी अच्छी मिली कि मैंने सैम्पल पेपर्स लगाए, घर वालों का भी सपोर्ट था, तो मैं अच्छे से तैयारी करके गई थी, सैंपल पेपर्स मैंने बहुत सारे लगाए थे, तो उससे मेरे को 12th में बहुत मदद मिली थी। और ऑनलाइन ऑफलाइन का हाँ ये ज़रूर था कि टीचर्स आपकी परफॉर्मेंस चेक भी नहीं कर पाते थे, आप टेस्ट में चीटिंग कर लेते थे, तो हाँ 11th में मेरा परफॉर्मेंस बहुत डाउन रहा था उस वजह से, बट 12th में आधी समय जब वो ऑफलाइन हो गया था तो उसकी वजह से मैं 12th में अच्छे से पढ़ पाई। अच्छा, किसको देना चाहेंगे आप पूरी सफलता को? मैं अपने घर वालों को और टीचर्स को, घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया है, हाँ डांट भी पड़ती थी मुझे बहुत कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, और हाँ प्रेशर भी रहता था, बट हाँ एक बार मैंने पढ़ाई तो घर वालों के लिए करी थी कि मुझे कुछ करना है,
और एक टीचर्स मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे मेरे कॉमर्स के लिए, अकाउंटेंसी के लिए विकुल सर, और इकोनॉमिक्स के लिए शुभम सर, बिज़नेस स्टडीज़ के लिए श्वेता मैम। तो इन तीनों ने बहुत ध्यान रखा था, इन तीनों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और आधे से ज़्यादा श्रेय मैं उन्हें दूंगी, क्योंकि अगर उनकी गाइडेंस नहीं होती, जैसे टेंथ में मेरे पास पढ़ाई थी लेकिन गाइडेंस नहीं थी तो मैं अच्छे से नहीं कर पाई थी, बट इसमें पढ़ाई और गाइडेंस के साथ ही हो पाया, तो वो टीचर्स की वजह से और घर वालों की। अच्छा, ट्वेल्थ आपका हो गया, आगे का क्या एम है आपका पूरे? मेरे को यूपीएससी क्रैक करनी है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है मुझे। और मेरा अभी जो हाल फिलहाल का है मेरा ये है कि मैंने अभी सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है, और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, वहाँ दिल्ली में मैं यूनिवर्सिटी लेके वहीं दिल्ली में ही यूपीएससी की कोचिंग करूँगी। तो ये थी हमारे साथ श्रेया, जिन्होंने बताया कि उनका आगे का एम यूपीएससी करके कलेक्टर बनना है। इसी क्रम में हमारे साथ श्रेया की माँ भी मौजूद हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका फर्स्ट समाचार। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने नाम रोशन किया, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? प्राउड फील हो रहा है, बच्चे कुछ करते हैं तो प्राउड तो फील होता ही है। तो आपने सोचा था या फिर बच्ची ने सोचा था कि? हाँ, मुझे पूरा विश्वास था बच्चों पे, मेरे तीनों बच्चों ने मेरा नाम रोशन किया है। आगे के लिए उनको यूपीएससी की तैयारी करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो क्या परिप्लान है आपका? ये जो चाहेगी, ये जो हमारी तरफ से सब स्वतंत्र है, जो ये चाहेगी वो कराएंगे इसको। भेजना चाहेंगे आप? हाँ जी, जरूर से। कलेक्टर बनने की उनकी इच्छा है? हाँ। तो कैसा लगता है आपको कि उसको एक्चुअल में अपने दादा का सपना पूरा करना है? तो उसके दादा की इच्छा थी कि कलेक्टर बने, तो उसे वो पूरा करना है, और उसका उसको हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। बधाइयों की लगातार। हाँ, आ रहे हैं, बहुत बहुत अपने आप में खुशी महसूस होती है कि बच्चा कुछ करता है, तो प्राउड फील होता है बहुत ज़्यादा। इसी क्रम में हमारे साथ श्रेया की दादी भी मौजूद हैं, कैसा लग रहा है दादी जी? बहुत नाम रोशन कर दिया। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे जब अगर कुछ करते हैं इतने टॉप उस पे, तो बहुत खुशी होती है। फिर क्या है, बच्चे सारे ऑनेस्ट हैं मेरे। तो कैसा लग रहा है कुछ लोग? बहुत बहुत इतनी बधाइयाँ आ रही कि हम दो दिन से फोन ही सुनते जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगी बच्ची को आगे के लिए? वो कलेक्टर बनना, कलेक्टर बनना है उनको? कलेक्टर बनेगी और बन के दिखाएगी, बहुत होशियार बेटी है मेरी, बहुत अच्छे से करेगी ये, और हम सबका आशीर्वाद है कि बहुत जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाए और अपनी मंजिल तय करे और आगे बहुत प्रोग्रेस करे, यही हमारा। तो ये थी हमारे साथ श्रेया, जिन्होंने जिले में प्रथम स्थान पाया, और आगे भी उन्होंने बताया कि इनका एम कलेक्टर बनना है और यूपीएससी फाइट करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनको आगे की तैयारी करना है।